हेलो गाइस, आई एम ललित अग्रवाल। वेलकम टू ऑल ऑन योर ओन कोडिंग चैनल कोड फ्रेश मेड बाय यू, मेड फॉर यू। सो लेट्स नाउ स्टार्ट टुडेज लीड कोड प्रॉब्लम। आज की लीड कोड की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना, वन मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुका है, जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो, जो क्वेश्चन है लिटरली बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आप बहुत सारी टेक्निक्स की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आप एक सिंपल काम कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल सा काम। क्या? इस पूरे के पूरे एरे के ऊपर इटरेट करो, बोला ठीक है। और एरे के ऊपर इटरेट करके जो भी ऑड वैल्यूज है उसको एक दूसरे एरे में पुश ऑन करते जाओ, और जो भी इवन वैल्यूज है उसको एक तीसरे एरे में पुश ऑन करते जाओ। बाद में जो जो सेकेंड और थर्ड आपका एरे है उसमें क्या करना कि जो पहले इवन एरेज वाला जो आपका वेक्टर था उसको ले लेना, और उसके बाद में जो ऑड एरेज वाला जो वेक्टर है उसकी सारी की सारी वैल्यूज को उसमें पुश ऑन कर देना। सबसे इजी वे हो सकता है ये, भी बड़े आराम से सबमिट हो जाएगा। इजी का टैग है, और साथ ही साथ में इसके जो कंस्ट्रेंट्स है वो भी लिटरली बहुत ज़्यादा आसान है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आराम से हो जाएगा, कहीं पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर आपको इसको करना है बिना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को यूज़ करे हुए, तो फिर कैसे करोगे? तो भी ये बहुत आसान है, क्योंकि इसमें कहा है कि कोई भी ऑर्डर आपका हो सकता है, आपको ऑर्डर मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप एक सिंपल सा काम कर सकते हो कि जैसे ही आपको एक पॉइंटर आप यहाँ पे रखो और एक पॉइंटर आप लास्ट में रखो, बोले ठीक है। जैसे ही आपको कोई भी ऑड वैल्यू मिलेगी, आप क्या करोगे, अगर जो लास्ट वाला पॉइंटर है वो आपका इवन है तो आप उससे रिप्लेस करवा दोगे, अगर लास्ट वाला इवन नहीं है तो फिर आप सेकेंड लास्ट पे आओगे, थर्ड लास्ट पे आओगे, एंड सिमिलरली आप लास्ट से ट्रैवल करते रहोगे। और यहाँ पे भी जब तक आपको ऑड नहीं मिल जाता, क्योंकि ऑड को ही अपने को स्वाइप करना था, तब तक आप यू ट्रैवल करते रहोगे। इसके बारे में थोड़ा सा सोचो, लिटरली क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। अपन यही वाली ली अप्रोच को यहाँ पे बिल्ड करने वाले हैं। अच्छा, जिसको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहने क्या चाह रहे हैं, उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे, एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो, समझो यहाँ पे क्वेश्चन कहने क्या चाह रहा था। क्वेश्चन मैंने अपने को एक एरे गिवन है, बोला ठीक है, सिंपल सी बात है, ये एरे गिवन है। इस एरे में क्या कौन कौन सी वैल्यू है? 3, 1, 2 और 4। अपने को करना क्या है कि अपने को जो ऑड वैल्यूज है ना उनको लास्ट में लेकर जाना है, बोले ठीक है, सिंपल सी बात है। तो 3 जो है वो ऑड है, 1 जो है वो ऑड है, तो फिर कौन सी आएगी यहाँ पे? 2 आएगी, ठीक है, फिर आएगी 4। हाँ, ये दोनों ऑड थी तो अपन इनको लास्ट में ले गए। समझ गए? कोई डाउट नहीं भैया, कोई डाउट नहीं है, समझ में आ चुका है। अच्छा, अब इसके अलावा अगर अपन ऐसा कर देते ना, 2, 4, 1, 3 कर देते 3-1 की तरह, 3-1 की बजाय, तो वो भी चल जाता। अगर अपन 4, 2, 1, 3 कर देते तो भी चल जाता, 4, 2, 3, 1 कर देते तो भी चल जाता। मतलब ऑर्डर कोई सा भी होता, कहीं पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बस यहाँ पे कंसेप्ट क्या था कि पहले इवन वैल्यूज आनी चाहिए और बाद में कौन सी आनी चाहिए? ऑड वैल्यूज। समझ गए इस बात को? बोला जी भाई, समझ गए, कहीं पे भी कोई भी डाउट नहीं है। अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, सॉल्व करने के लिए अपन एक सिंपल सा ट्रिक यूज़ करने वाले हैं। क्या यूज़ करने वाले हैं कि ना, वापस अपन यहाँ पे एक बार एरे लिख लेते हैं, 3, 1, 2, 4। एक पॉइंटर तो अपन यहाँ पे मेंटेन करके रखेंगे, बोला ठीक है, आई पॉइंटर अपन यहाँ पे मेंटेन कर लिया, और एक पॉइंटर अपन यहाँ पे मेंटेन करके रखेंगे, ये हो गया अपना जी पॉइंटर, बोला ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे अपन सिंपल सी कैलकुलेशन एक लेके चलेंगे। क्या बोलेंगे कि जब अपन आई पॉइंटर पे है, मतलब जब अपन सबसे लेफ्ट वाले पॉइंटर पे है, फर्स्ट पोजिशन पे है, जीरो पोजिशन पे है, व्हाटएवर पोजिशन पे है, यहाँ पे आके अपन चेक करेंगे क्या भैया ये ऑड है। हाँ भैया, ये ऑड है, जैसे कि अपने को पता है कि अपना जो 3 है वो ऑड है, ठीक है। फिर अपन चेक करेंगे कि क्या अपना जो jth पोजीशन है वो ऑड है, नहीं भैया वो ऑड नहीं है, वो इवन है। इसका मतलब इवन वाली पहले आनी चाहिए और ये ऑड वाली लास्ट में आनी चाहिए। हाँ, ऑर्डर मेंटेन करता नहीं है, स्वैप करा दो। बोला क्या? बोला हाँ, स्वैप करा दो, क्या दिक्कत है? ओके, तो स्वैप हो गई। बोला हाँ जी भैया, स्वैप हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। अभी भी अपना जो आई पॉइंटर है वो यहीं पे है, और अपना जे पॉइंटर है वो यहाँ पे है, और ये वैल्यू स्वैप हो चुकी है, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला ठीक है। फिर अपन ने चेक किया कि क्या ये वाला जो पॉइंटर है वो अपना क्या है? इवन है। बोला हाँ जी भैया, ये वाला मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो भी है, इवन है। बोला ठीक है, तो इसको छोड़ दो, नेक्स्ट पे मूव कर जाओ। बोले ठीक है, नेक्स्ट पे अपन आए। नेक्स्ट पे आने के बाद अपन ने क्या बोला, क्या ये वैल्यू ऑड है? बोले हाँ जी, ये वैल्यू ऑड है। तो वापस क्या करवाएंगे अपन, इसको स्वैप करवाएंगे। पर पहले अपन ने क्या देखा कि जहाँ पे jth पॉइंटर है, क्या वो वैल्यू अपनी ऑड है? बोला हाँ जी भैया, वो वैल्यू भी अपनी ऑड है। तो ऑड की वैल्यू अपने को नहीं छेड़नी है, ऑड को अपने को नहीं छेड़ना है। बोले ठीक है, तो फिर अपन वापस इस पे आके अपन ने चेक किया कि क्या भैया ये वाली वैल्यू है जो है वो इवन है। बोला हाँ जी भैया, ये वाली वैल्यू अपनी क्या थी? इवन थी। तो फिर अपन क्या करेंगे, अब इसके साथ में इसकी स्वैपिंग करा देंगे। तो फिर अपना क्या बन जाएगा, 4। अब यहाँ पे आ चुका है 2, 1, 3। सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी भैया, सिंपल सी बात है, आई अपना यहाँ पे था, जे अपना यहाँ पे था। बोले ठीक है। फिर जैसे ही अपने को पता चला कि ये वाली वैल्यू अपनी इवन है, अपन ने आई को आगे मूव कराया, और आई को आगे मूव कराते क्या हुआ, ये दोनों सेम पोजीशन पे आ चुके हैं। सेम पोजीशन पे आते अपन क्या बोलेंगे कि बस अपना जो वेक्टर है वो अपने अकॉर्डिंग ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका है। कैसा हो चुका है? बोला हाँ जी भैया, 4, 2, 1, 3 हो चुका है सॉर्ट अपने ऑटोमेटिकली। एंड ऑफ डिस्कशन, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। एक बार अपन इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे आओ,
एक तो अपने बनाया लेफ्ट नाम का पॉइंटर और एक बनाया राइट नाम का पॉइंटर। राइट नाम का पॉइंटर कहाँ तक जाएगा, जो भी अपना एरे है उसके लास्ट इंडेक्स तक। सिंपल सी बात है, बोला जी भाई सिंपल सी बात है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वाइल का लूप अपने कहाँ से घुमाया है कि लेफ्ट जब तक अपना छोटा है राइट से, तब तक ये वाइल का लूप चलता रहेगा। वो मतलब वही वाली बात है कि जब तक अपने ये जो दोनों पॉइंटर है ये आपस में क्रॉस ना हो जाए। बोले ठीक है सिंपल सी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर अपन ने क्या बोला, एक इफ की कंडीशन आई, इफ की कंडीशन में अपन ने ये बोला है सिंपल सी बात कि जो अपना लेफ्ट पॉइंटर जहाँ पे भी है क्या वो वैल्यू ऑड है, वो वैल्यू ऑड है कैसे पता चला है? क्योंकि अगर अपन ने सिर्फ टू से डिवाइड करा और लास्ट में वन रिमाइंडर बचा है, इसका मतलब तो वैल्यू वहाँ पे ऑड थी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर वो वैल्यू ऑड है तो फिर अपन ने वाइल की कंडीशन में क्या चलाया था कि जब तक अपन यहाँ पे वाइल की कंडीशन में क्या चलाया था कि जैसे सपोज करो यहाँ पे एक बार अपन बता ही देते हैं फटाफट, 4123 है, नहीं 4123 नहीं सॉरी, यहाँ पे लो 3124। बोला ठीक है 3124। अब यहाँ पे क्या था कि आपको इसको इससे स्वैप करवाना है। बोला हाँ जी भाई बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे एक बात समझो, यहाँ पे अगर ऐसा हो जाता कि 3 1 2, यहाँ पे होता 5, यहाँ पे होता 1, यहाँ पे होता 3, और आप उस टाइम पे यहाँ पे प्रेजेंट होते। बोला ठीक है, तब आगे एक बात बताओ, क्या आपको ये जो 3s को स्वैप कराना है? बोला हाँ जी भैया, इसको अपने को इवन नंबर से स्वैप करवाना है, बट ये जो पॉइंटर है ये तो अपना किस पे है, 3 पे है, तो ऑफकोर्स ही बात है इसको अपने को कहाँ करना पड़ेगा, एक यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। भैया ये वैल्यू भी अपनी ऑड है तो इसे भी अपन को शिफ्ट नहीं करवाना। फिर अपने को एक और यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, भैया ये वैल्यू भी अपनी इवन है तो इसे भी शिफ्ट नहीं करवाना। इसका मतलब क्या हुआ, फिर अपन एक और बार यहाँ पे आए, यहाँ पे आके अपने को इवन मिला फाइनली, मतलब यहाँ तक ऑड चल रहा था, यहाँ पे आके अपने को फाइनली इवन मिला, तब अपन इसको स्वैप करवाएंगे। तो अपन ने वही बोला है कि वाइल का लूप तब तक चलाते रहो जब तक एक तो राइट अपना बड़ा है, हम भैया कहीं क्रॉस ही ना कर जाए, और साथ ही साथ में अपनी दूसरी क्या कंडीशन है कि जब तक अपने को यहाँ पे इवन वैल्यू ना मिल जाए। तो जब तक अपने को इवन वैल्यू ना मिले तब तक अपने को वाइल का लूप घुमाना है, मतलब जब तक अपने को ऑड वैल्यू मिलती जा रही है। ठीक है, हाँ, तो जब तक अपने को ऑड वैल्यू मिलती जा रही है तब तक अपन इस वाइल के लूप को इटरेट करते जा रहे हैं और राइट की एक एक पोजीशन को शिफ्ट करते जा रहे हैं माइनस माइनस में। जैसे ही अपने को वो पोजीशन मिल गई जिससे अपन स्वैप करवा सकते हैं, फाइनली अपन ने क्या करा, स्वैपिंग करवा दी। स्वैपिंग करवाने के बाद में फिर अपन ने क्या बोला, लेफ्ट वाले पॉइंटर को एक आगे बढ़ा दो और ये वाइल की कंडीशन बार बार चलाते रहो। फाइनली जैसे ही अपना जो एरे है वो अपने अकॉर्डिंग सॉर्ट हो गया, अपन ने क्या करा दिया उस एरे को रिटर्न। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। सबमिट करके अपन देख ही रहे, सबमिट बड़ा आराम से हो गया है। और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में अपन देख लेते हैं। देखो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो अपन ने ऐसा कुछ यूज़ करी ही नहीं है। टॉकिंग अबाउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में यहाँ पे अपन ने कोई टाइम नहीं लिया, एक वाइल का लूप अपना चल रहा है इन टोटल पैसे, उसके अलावा और कोई भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपनी नहीं है। तो वाइल के लूप के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑफ एन। आई होप आपको जैसा समझ में आ गया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।